हजारों दीपों से जगमगाएगा गोलपाड़ा बालाजी हनुमान मंदिर। सीताराम, मां लक्ष्मी और हनुमान जी के नाम दीपों से किए जाएंगे प्रदर्शित। महाआरती के साथ होगी दीपावली। दीपों के पावन पर्व दीपोत्सव पर ग्वालियर के संकट मोचन मंदिर में भव्य रूप से शनिवार 22 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली अयोध्या की खुशी और राम से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इस अवसर पर मंदिर अयोध्या की तरह हजारों दीपों से सजाया जाएगा और सेवकों एवं भक्तों द्वारा दीपों से सीताराम, जय लक्ष्मी और हनुमान जी की आकृति उकेरी जाएगी। उक्त जानकारी बालाजी सरकार के चरण सेवक जगबीर दास ने दी। उन्होंने बताया कि संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा पर विगत 4 माह से हर मंगलवार को रात 8 बजे से लगभग 150 भक्तजनों के द्वारा असंख्य हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ किए जाते हैं। पाठ करने वाले भक्तजनों एवं सेवकों का कहना है और मानना है कि हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा पाठ करने से मनोवांछित फल मिलता है जो वो पा रहे हैं और आत्मशक्ति मिल रही है, इसलिए वो हर मंगलवार को यहाँ आकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी महाराज की तर्ज पर सवा मन का विधिवत भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात भंडारा प्रसादी भक्तजन पाते हैं। हर मंगलवार को नए स्वरूप में चरण सेवक जगवीर दास द्वारा मूर्ति का अभिषेक, चूल्हा श्रृंगार किया जाता है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रतिदिन हवन यज्ञ जारी है। दीपों का उत्सव दीपावली हर वर्ष मनाया जाता है। इस समय जो दीपावली मनाई जानी चाहिए या मनाई जा रही है या हम मनाएंगे, तो अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दीपावली अयोध्या और राम जी महाराज से जुड़ा हुआ उत्सव है। यहाँ धनतेरस को शनिवार है, शनिवार को यहाँ सेवकों के द्वारा, भक्तजनों के द्वारा, दर्शनार्थियों के द्वारा जो नियमित आते हैं और जो उस दिन आएंगे, वो यहाँ अपने अपने दीपक लेकर आएंगे और यहाँ मंदिर की तरफ से दीपक से श्री राम सीताराम उकेरा जाएगा, महालक्ष्मी लिखा जाएगा और साथ ही जय हनुमान जी के दीपक से उकेरा जाएगा उनका नाम को। तो इस तरह यहाँ दीपोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही हनुमान जी महाराज की, राम जी महाराज की विशेष आरती 101 दीपक के साथ जो हर वर्ष होती है वो इस वर्ष भी होगी। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।